Hi, this is Divya Pandit, आपकी tarot card reader, spiritual healer, remedy queen जैसे मुझे कहा जाता है और life coach. तो मैं आपके लिए लाई हूँ ये नया video. वैसे मैंने numbers पे तो बहुत पहले numbers के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, I think 3 years पहले बनाया था. लेकिन ये जो video है वो मैं बना रही हूँ आपके लिए क्योंकि मैं चैंटिंग में बहुत बिलीव करती हूँ. मैं खुद भी रोज बिना चैंट किए रात को सोती नहीं हूँ, ठीक है? तो चैंटिंग मंत्रा अगर आप करें, जिससे बहुत ही एक तरह का बहुत ही पावरफुल तरीका है मैनिफेस्ट करने का कोई भी, या नेगेटिव एनर्जी निकालने का, है कि नहीं? लेकिन अगर यही चीज आप अपने बर्थ डेट को मिलाकर या बर्थ डेट के हिसाब से पर्सनलाइज कर दें किसी भी चैंटिंग को, तो उसका बहुत फायदा होता है, ठीक है? आपका जो बर्थ डेट है आपका हमेशा वो लकी डे होगा, ठीक है? और जो लकी डे आप उसको कंबाइन कर दें अपने मंत्रा, स्पेसिफिक मंत्रा जो उस बर्थ डेट के हिसाब से होता है और किस डायरेक्शन में आप फेस करके बैठे, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का भी मंत्रा जाप कर रहे हैं, वो उसका लाखों टाइम्स बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाता है और उतना आपको मिलता है. तो आज हम मंत्र और बर्थ डेट और किस डायरेक्शन में फेस करके हमको बैठना है उसकी बात करेंगे. समझो अगर मैं अपना करियर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? मैनिफेस्टेशन का मंत्र होता है गायत्री मंत्र. उससे पावरफुल मंत्र कोई नहीं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए. वैसे तो गायत्री मंत्र कोई भी बोल सकता है, सारे मंत्र तो सब लोग यूज कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते. ज्यादातर मंत्र तो सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं वो स्पेसिफिक मंत्र करूं जो मेरे बर्थ डेट को मैच करता है, तो अगर मुझे 100 गुना उसका बेनिफिट मिलना हो तो मुझे लाखों गुना मिलेगा. और उस हिसाब से अगर मैं उस डायरेक्शन में फेस करके बैठूं तो उससे और ज्यादा वो पावर बढ़ जाती है. इसीलिए ये वीडियो मैंने लाया है, क्योंकि इतने सारे मंत्रास मैं शेयर करती हूँ, स्पिरिचुअल शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीज बनाई जाए जिसका जो फायदा है वो मल्टीप्लाई हो, 100 गुना मल्टीप्लाई, है कि नहीं? तो चलिए बात करते हैं आज के जो पहला मंत्र है, जो पहला बर्थ डेट है वो है नंबर 1. नंबर 1 10 होता है, 19 होता है, 28 होता है. अब मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह रिफर करूंगी, मैं बाकी के नंबर्स नहीं लूंगी. तो आप जोड़कर पता कर लेना, अगर आपका 23 है तो वो 5 हो जाएगा, 11 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप उसको जोड़ लेना, ठीक है? तो जो नंबर 1 है, नंबर 1 होता है सूर्य, सूर्य भगवान. सूर्य भगवान किस चीज का कारक है? सूर्य भगवान होते हैं प्रमोशन, तरक्की. सूर्य रिप्रेजेंट्स फादर, आपके पिताजी, है कि नहीं? जो सूर्य मंत्र होता है वो बहुत पावरफुल होता है, ओम सूर्याय नमः, सिंपल वाला, ठीक है? वो नंबर 1 के लोगों को सूर्य बहुत फेवर करता है. जैसे कि मैं नंबर 1, ठीक है? तो मैं जितना सूर्य मंत्र बोलूंगी उतना मेरे को बेनिफिट होगा. सूर्य किस डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट. तो मैं बैठूंगी ईस्ट फेस करके. जैसे कि मैंने अब आज मुझे मंत्र जाप करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीट चूज की है, मैं यहाँ बैठूंगी. जैसे आपके घर में एक पर्टिकुलर प्लेस आप चूज करो कि आप कहाँ रोज बैठकर मंत्रा बोलोगे, क्योंकि अगर आप एक जगह हमेशा उसी जगह बैठ के जब मंत्र जाप करते हो तो उसका बेनिफिट भी ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि एक बार जिस जगह बैठ के मैंने मंत्र जाप किया तो वो एनर्जी वहां पर लिंगर करती है, वहीं पे होती है वो एनर्जी, और उसी एनर्जी को अगर हम कंटिन्यू करें 21 दिन तक जैसे मैंने जाप किया, या 11 दिन तक मैंने बैठ के जाप किया, या 40 दिन तक मैंने किया, वो तो आप चूज करोगे आप कितने दिन बैठ सकते हो, ठीक है? तो वो एनर्जी वो वहीं से कंटिन्यू होती है और उसका बहुत बेनिफिट मिलता है. जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अभी फिलहाल तो नॉर्थ फेस करके बैठी हूँ, ठीक है? अब मुझे फेस करना है ईस्ट, तो मैंने यही सीट चूज की है, ठीक है? तो मैं घूम कर इस तरफ हो जाऊंगी और बैठ करके मंत्र जाप करूंगी, ठीक है? तो नंबर 1 लोग जो है उनको जैंट करना है सूर्य मंत्र, ठीक है? सूर्य मंत्र बहुत पावरफुल होता है. सूर्य का मंत्र होता है गायत्री. आप जितना गायत्री मंत्र बोलोगे, नंबर 1 पीपल ईस्ट फेस करके बैठ के मंत्र जाप करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, ठीक है?
आप अपनी माला खुद चूज करो, क्योंकि शिव जी होते हैं सूर्य के, जो गॉड होते हैं नंबर वन के होते हैं वो शिव जी होते हैं, तो शिव जी का मंत्र करो। ज्यादातर गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल इन मैनिफेस्टेशन, बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं, तो क्या बोला मैंने, नंबर वन के लिए गायत्री, शिवजी और ओम सूर्य नमः, ठीक है। अब नंबर टू होता है मून, आपकी मदर, आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स। नंबर टू पीपल को ज्यादातर रिलेशनशिप ब्लॉक्स फेस करने पड़ते हैं। आप देखिए रिलेशनशिप ब्लॉक्स, जिसका मून वीक हो या जिसका मून ठीक से प्लेस नहीं हो नॉर्मली, क्योंकि नंबर टू पीपल जो होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हर चीज को इमोशनली सोचते हैं, ठीक है। नंबर टू पीपल ज्यादातर कंफ्यूज भी रहते हैं, अगर हम नोटिस करो। जैसे नंबर वन है वो बहुत ही एम्बिशियस आपको लगेंगे, स्ट्रांग लगेंगे, उसी तरह से नंबर टू बहुत मदरली, बहुत स्वीट, बहुत सॉफ्ट काइंड ऑफ जिस तरह के लोग होते हैं। तो उनका जो देवता होता है वो होता है विष्णु, विष्णु जी फेवर करते हैं नंबर टू लोगों को। तो जो मेरा फेवरेट मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, वो चैंट आप करोगे नॉर्थ वेस्ट को फेस करके। नॉर्थ वेस्ट को फेस करके आप नंबर टू वाले ओम नमो भगवते या कोई और विष्णु का मंत्र जो आपको लगता है आप चैंट कर सकते हो, आपके दिल से, दिल के करीब है, या जो सूर्य का, सॉरी सूर्य नहीं, या जो चंद्र का मंत्र है वो भी आप बोल सकते हो, चंद्र का मंत्र भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप विष्णु जी का मंत्र बोलोगे वो ज्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही पावरफुल मंत्र है नंबर टू वालों के लिए। नॉर्थ वेस्ट को फेस करके आपको बैठना है और वो जाप करना है। मेरे हिसाब से तीन माला, याद रखिए कोई भी नंबर हो न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट, आप कोई भी चीज तीन बार करते हो ज्यादा पावरफुल होती है, हमेशा एक से ज्यादा तीन माला पावरफुल है। फिर तीन के बाद कोई नंबर चूज करना है तो आप वो ऑड नंबर कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दो नंबर के लोगों के लिए। अब तीन नंबर के लोग नॉर्थ ईस्ट फेस करेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेस करेंगे। तीन नंबर के लोग कौन होते हैं, जुपिटर, जुपिटर तो गुरु है, ठीक है, और वो बहुत, वो प्लैनेट किस चीज का है, वो ग्रह एक्सपेंशन का, आपको एक्सपेंड करना है दुनिया में, बिजनेस एक्सपेंड करना है, लाइफ में एक्सपेंशन चाहिए, फ्रेंड सर्कल एक्सपेंड करना है, ठीक है। गुरु ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट, याद रखिए आपकी बॉडी को भी एक्सपेंड कर देता है, ठीक है, तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गुरु का जो मंत्र, जिसका गुरु स्टेबल नहीं है, जिसका गुरु अच्छा है फिर वो मत करें, वो तो आपको पता करना पड़ेगा किसी एस्ट्रोलॉजर से। पर अगर तीन नंबर के लोग जुपिटर, अगर आप गुरु का मंत्र बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के जो जो तीन नंबर के लोग हैं उनका जो गॉड होता है वो लॉर्ड ब्रह्मा, उससे बड़ा गुरु कौन है, उससे वाइज और नॉलेजेबल कौन है कि नहीं। तो उनका मंत्र है ओम एम रीम क्लिम संचित सुकर एकम ब्रह्मा, ये आपका मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिस मत करना, मैं 1-9 के सारे मंत्र उसमें लिख दूंगी और रीड कर लेना, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंत्र आपको तीन नंबर के लोगों को बोलना है, ठीक है, उनके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक्सपेंशन आएगा, पैसा, सोशल लाइफ, सब कुछ रिलेटेड होता है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं चार नंबर की, जुपिटर का मैंने वो बताया ना, नॉर्थ ईस्ट, थ्री नंबर भी शुरू में बोला था, ठीक है। अब जो चौथा है वो है राहु, नंबर फोर विनर। राहु जो होते हैं उनको हर चीज में विन करने की आदत होती है, चाहे वो बिजनेस करें, जॉब करें या स्टडीज में, हमेशा विन करेंगे। लेकिन राहु का एक छोटा प्रॉब्लम है, राहु वाले बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करते हैं, राहु वाले बहुत ज्यादा फोर नंबर वाले नजर फेस करते हैं। तो उनके लिए साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो चार नंबर के लोगों के लिए, ठीक है, और उनके लिए मंत्र है सरस्वती जी का। सरस्वती जी रूल करती हैं राहु को, जितनी विद्या, जितनी मेंटल क्लैरिटी
राहु को चेस धोखा क्यों खाते हैं राहु वाले, चार नंबर वाले ज्यादा, क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो जितनी आप सरस्वती का मंत्र जाप करेंगे उतनी मेंटल क्लैरिटी होगी और लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, याद रखना। ये बहुत अच्छा मंत्र है, हमको लगता है सरस्वती जी का सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, नहीं, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी सरस्वती का मंत्र बहुत पावरफुल होता है, याद रखिए, ठीक है। तो चार नंबर वाले सरस्वती का मंत्र जितना चैंट करेंगे साउथ वेस्ट को फेस करके उतना अच्छा है। जो मंत्र मेरे पास है मैं वो आपको देती हूँ, नहीं तो आप सिंपल वाला भी कोई भी सरस्वती का मंत्र चैंट कर सकते हो, ठीक है। ओम 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 श्री विद्या बुद्धि मत्ता वरिष्ठा सरस्वते नमो नमः, ठीक है। ये मैं लिख दूंगी नीचे, ये आप चैंट करना, ठीक है। तीन माला जैसे मैंने कहा है, 108 टाइम्स इंटू थ्री, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर फाइव, सबसे फास्ट या सबसे स्मार्ट और सबसे लकी नंबर है नंबर फाइव, ठीक है। नंबर फाइव है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के जो भगवान है वो है दुर्गा माँ शक्ति, ठीक है। पांच नंबर के लोग जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से तो बहुत लकी होते हैं और बहुत स्मार्ट भी होते हैं। मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट योर माइंड, बुद्धि, ठीक है। उनका डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ फेस करके वो अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। जो मंत्र उनको दुर्गा का करना है वो है ओम सर्व रूपिणी संचित दुर्गा दुर्गे नमो नमः, ठीक है। मैं लिख लूंगी नीचे, आप कर लेना, या सिंपल वाला कोई दुर्गा मंत्र जो आपके साथ रेजोनेट करता है, आपके साथ कनेक्ट करता है, आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है नंबर फाइव पीपल। नंबर फाइव पीपल को नॉर्मली मुझे लगता है हेल्थ की इश्यूज आने की प्रॉब्लम्स होती है, तो वैसे तो बहुत लकी होते हैं बोलो, लेकिन नंबर फाइव पीपल थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो जितना दुर्गा मंत्र करेंगे उतना आपको बेनिफिट। अब बात करते हैं नंबर छः की। नंबर छः होता है वीनस। वीनस अबंडेंस, वीनस तो सब चीज़ों का है, अपने रिलेशनशिप्स, आपका मनी, सब जगह वीनस काम आता है कि नहीं। तो वीनस वाले जो लोग होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, बात करने में, दिखने में सुंदर होते हैं, ठीक है। जो वीनस के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्राचार्य, ठीक है। तो उनका मंत्र जाप कीजिए या फिर लक्ष्मी मंत्र जाप कीजिए, दोनों बेनिफिट देते हैं। ओम शुक्राय नमः, सिंपल एज दैट, ओम शुक्राय नमः वीनस के लिए बहुत सिंपल है। आप देखेंगे वीनस का बोलते ना, कृपा जहां होती है वहां पर सब कुछ होता है लाइफ में, है कि नहीं। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा भी होना नहीं चाहिए, पर उस चीज का बैलेंस तो हमको खुद को रखना पड़ता है। वीनस का जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट। साउथ में आप देखोगे तो साउथ की जो एनर्जी है वो वीनस की एनर्जी है, और साउथ में फेस करो या साउथ ईस्ट फेस करो, दोनों चलेंगे। साउथ ईस्ट भी फेस कर सकते हो आप, साउथ भी फेस कर सकते हो वीनस के लिए, ठीक है। अगर आप साउथ में देखोगे, अगर किसी भी हमारे कंट्री के साउथ जाओ, वहां पे कितना पैसा है, गोल्ड है, ठीक है। तो जितना आप साउथ को फेस करके चैंट करोगे ओम शुक्राय नमः, उतना आपको फायदा होगा साउथ या साउथ ईस्ट वीनस के लिए, ठीक है। यह है छह नंबर के लोग। अब बात करते हैं सात नंबर, वो है केतु। केतु इज बॉडी, राहु इज द हेड, ठीक है। अब जो बॉडी है वो केतु, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, मैं जितने सेवन नंबर के मेरे बहुत सारे हैं, जो मुझे लगता है वो बहुत ही मन के साफ होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी होते हैं। केतु बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, अगर आपको पता नहीं है, हम सब राहु केतु से डरते हैं, लेकिन केतु बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आपको अगर आपका केतु अच्छा हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है सेवन नंबर पीपल की। तो केतु प्लैनेट के लिए होते हैं गणेश जी। गणेश जी का मंत्र आप जाप कीजिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेस करके। नॉर्थ ईस्ट फेस करके आप गणेश जी का कीजिए ओम गण गणपते नमः, सिंपल, ठीक है। ये आप तीन माला करेंगे, ठीक है, तीन माला करेंगे। तीन माला मैं कंपलसरी बोलती हूँ, क्योंकि तीन से कम करोगे तो उसका इतना असर नहीं होता,
ठीक है, केतु बहुत फेस करते हैं इविल आए, और गणेश जी इज द प्रोटेक्टर, केतु के ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं लाइफ में, गणेश जी ही आपको पार लगा सकते हैं, याद रखिए। गणेश जी की जितनी आप सेवा करोगे, केतु सेवन नंबर पीपल, उतना आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं एट नंबर पीपल। एट होता है शनि। शनि अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, शनि खराब हो तो बहुत खराब है कि नहीं। शनि से हम डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं। शनि भगवान इज लॉर्ड ऑफ कर्म, आपका कर्म देखते हैं और उस हिसाब से आपको देते हैं। अगर हम कर्म अच्छे रखें तो हमको डरने की जरूरत नहीं है ना शनि भगवान से। वो तो कोर्ट के जज हैं, बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आप अपनी लाइफ कैसे कंडक्ट करते हो, आप अपने से नीचे के लोगों से कैसे बात करते हो, आप बूढ़े बुजुर्गों को कैसे ट्रीट करते हो, आप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, वो देखते हैं ना, इसीलिए हम उनसे डरते हैं। डरना शनि भगवान से नहीं है, डरना अपने आप से है। अपने कर्मों को चेक में रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगेन नंबर एट वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, योगा में होते हैं, हीलर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको थोड़ा अपने कर्मों पे चेक रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शनि का इल इफेक्ट मिल रहा है और आप एट नंबर बोर्न हो, लाइफ में जल्दी जल्दी चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप चैंट करोगे काल भैरव का मंत्र वेस्ट को फेस कर। वेस्ट डायरेक्शन शनि का डायरेक्शन होता है। काल भैरव मंत्र तो मैं शेयर कर चुकी हूँ लास्ट टाइम, ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव का जितना मंत्र आप जाप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, शनि का भी मंत्र है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, काल भैरव पावरफुल मंत्र है जो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपके ऑब्स्टिकल्स निकालेगा। आठ नंबर लोगों के लिए, जैसे आठ नंबर लोग बहुत अबंडेंट भी होते हैं, आठ नंबर ऑल्सो अच्छा है अगर आपको मनी ऑब्स्टिकल्स हैं तो। आठ नंबर लोगों को मिलता है तो बहुत मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलता, बहुत मिलता है। तो अगर जितना आप अपनी प्रोटेक्टेड रखोगे अपने आप को और अपने कर्मा पे चेक रखोगे, आपको कोई छू नहीं सकता, याद रखिए। ठीक है, अब लास्ट वाला है मंगल, वो है नौ नंबर। नौ नंबर डिवाइन नंबर होता है। नौ नंबर के लोग ना मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत भोले होते हैं। उनका सिर्फ एक ही इशू है कि वो थोड़ा सा गुस्सा अपनी नाक पे लेके चलते हैं, गुस्सा और ईगो। ठीक है, और थोड़ा उनका जो लाइफ का जो मकसद होता है वो जीतना है, करना है, करना है, एक्शन एक्शन। तो नाइन नंबर लोग बहुत एक्टिव और एक्शन बेस्ड होते हैं कि नहीं। मंगल जो प्लैनेट होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला प्लैनेट होता है, इसलिए उनके नेचर में थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वरना वो दिल के बहुत साफ हैं और बहुत सीधे लोग होते हैं। ठीक है, और बहुत डिवाइन एनर्जी होती है उनकी। नाइन नंबर इज द डिवाइन नंबर, गॉडली नंबर, याद रखिए। वो उनका जो एरिया है वो है डायरेक्ट साउथ, ओनली साउथ। ठीक है, मंगल के जो है भगवान वो है हनुमान जी और गणेश जी। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की चैंटिंग कीजिए साउथ फेस करके। नाइन नंबर वालों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आप जितना करेंगे उतना आपके जो बोलते ना कार्मिकली जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएगी, प्लस आपका जो मनी प्रॉब्लम अगर नौ नंबर वाले फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। साउथ फेस करके अगर आप हनुमान जी या गणेश जी का मंत्र चैंट करते हैं, हनुमान चालीसा बोलिए या आप हनुमान जी का कोई शॉर्ट वाला मंत्र बोलिए, गणगणपते नमः बोलिए, ये बहुत बेनिफिट देगा नाइन नंबर के लोगों को। ठीक है, तो ये थे मेरे 1 to 9 सारे मंत्र। डिस्क्रिप्शन भूलना मत, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। ठीक है, वो रीड करके आप मंत्र लिख लीजिए, चैंट कीजिए, और जो भी बेनिफिट होगा उस कमेंट कीजिए, मैं जानना चाहूंगी कि आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं। ठीक है, और मुझे पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए, और ये चैनल शेयर करना मत भूलना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, और मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।